ओप्पो ने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किए हैं इनके नए ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, दैट इज ओप्पो एनको एयर 2 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। इसका प्राइसिंग है अप्रॉक्सिमेटली 2000 रुपीज, और ये है स्टेम शेप के हाफ इन ईयर डिजाइन के ईयरबड्स। अगर आप हाफ इन ईयर डिजाइन के ईयरबड्स कंसिडर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल तरीके से चेक करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस, और एंड तक पहुंचते पहुंचते हम डिसाइड करेंगे कि 2000 रुपीज के हिसाब से इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको Oppo Enco Air 2 True Wireless Earbuds का ऐसा बिल्कुल आपको प्रीमियम बॉक्स मिल जाएगा। पैकेजिंग काफी आपको इंप्रेसिव देखने को मिलेगी। एंड अगर हम बॉक्स के अंदर कंटेंट देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे यूजर मैनुअल। इसमें आपको पूरी प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मेन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, दिस इज द ईयरबड्स केस यू विल बी गेटिंग। यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसल्यूजेंट मटेरियल यूज किया गया, केस में काफी यूनिक डिजाइन दिया गया है। फ्रंट में आपको बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलेगी, बैक साइड में आपको ओप्पो की ब्रांडिंग मिलेगी, नीचे आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, एंड काफी कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट आपको ईयरबड्स का केस मिलेगा, पॉकेट फ्रेंडली है, कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड प्लास्टिक क्वालिटी भी आपको काफी प्रीमियम मिल जाएगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। एंड जैसे केस को आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो लॉक दिया गया है केस का बहुत ही आपको परफेक्ट मिल जाएगा। दोनों ही बड्स प्रॉपर तरीके से पैक्ड है, गिरने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, प्रॉपर आपको मैग्नेटिक लॉक्स मिल जाएंगे ईयरबड से केस में। बात करेंगे बर्ड्स की, बर्ड्स आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टेम शेप के हाफ इन ईयर डिजाइन के ईयरबड्स मिलेंगे। प्लास्टिक क्वालिटी आपको बिल्कुल प्रीमियम मिल जाएगी प्राइसिंग के हिसाब से। लेफ्ट राइट साफ साफ मेंशन किया गया है बर्ड्स में ही। एंड प्रॉपरली अगर आप इसको कानों में प्लेस करेंगे, ऐसा कोई ईयर कप्स तो नहीं है, सिंपली ये कानों में लटकेंगे, बाहर की आपको एक्टिविटीज भी पता चलेंगे एक्जैक्टली आपके बैकग्राउंड में क्या हो रही है। एंड वर्कआउट्स के टाइम हो सकता है अगर आप हैवी वर्कआउट्स करते हैं, ज्यादा रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, तो बाई चांस कभी कभी कानों से स्लिप होने के चांसेस हैं। इसमें आपको सिक्योर फिट मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अप टू द मार्क प्रीमियम सिक्योर फिट बोलते हैं ना, वो आपको थोड़ा बहुत मिसिंग लग सकता है। एंड इसमें आपको हे मेलेडी एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जैसे आप एप्लीकेशन से बर्ड्स को कनेक्ट करेंगे सारे के सारे आप कस्टमाइजेशंस कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेफ्ट राइट का बर्ड्स का जो बैटरी परसेंटेज है वो भी आपको यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेशन में ही दिख जाएगा। एंड यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको ओरिजिनल साउंड, बेस बूस्टेड एंड क्लियर वोकल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको आगे एक्जैक्टली बताऊंगा कैसे ये वर्क करते हैं। एंड डेडिकेटेडली आपको यहाँ पे गेम मोड भी मिल जाएगा, इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, हम आगे गेमिंग टेस्ट भी करेंगे गेम मोड ऑन करके। एंड साथ ही में यहाँ पे आपको फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको अपडेट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट जो बर्ड्स दिए गए हैं जो टच कंट्रोल्स है एक्जैक्टली, तो डबल टैप से क्या हो, ट्रिपल टैप से क्या हो, टच एंड होल्ड से क्या हो, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि किससे एक्जैक्टली वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो, गेम मोड ऑन हो, ट्रैक्स किससे चेंज हो, प्ले पॉज किससे हो। यहाँ से आप पूरी आपको प्रॉपर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, हे मेलेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप बर्ड से कनेक्ट करके कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन पार्ट की बात करेंगे, इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ 5.2 IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 13.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, AI कॉल नॉइस कैंसिलेशन फीचर फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, एंड डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिल जाएगा इसमें आपको। एंड बैटरी की बात करेंगे, इसमें आपको अप्रॉक्सिमेटली 4 से 5 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, टोटल आपको अप्रॉक्सिमेटली 24 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाएगा ओवरऑल विद द चार्जिंग केस। सो यार देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें आपको स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल आपको लेटेस्ट प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे। मुझे इसके फीचर्स पार्ट को लेकर ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी, और बिल्कुल आपको प्रॉमिसिंग यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी जो कि काफी हद तक प्रीमियम लुक एंड फील प्रोवाइड करती है। मार्केट से थोड़ा बहुत हटके आपको ईयरबड्स का केस मिल जाएगा, काफी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट आपको ईयरबड्स का केस भी मिल जाएगा। और बॉक्स के अंदर मुझे टाइप सी का चार्जिंग केबल नहीं मिला यार, पता नहीं क्यों यहाँ पे ओप्पो कॉस्ट कटिंग करता है। लास्ट टाइम भी जब मैंने ओप्पो एनको बड्स को अनबॉक्स किया था उसमें भी मेरे को टाइप सी का चार्जिंग केबल नहीं मिला था, इसमें भी आपको टाइप सी का केबल नहीं मिलने वाला, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है थोड़ी बहुत ओप्पो की तरफ से। एंड जिसका एक और फीचर दिया गया है जो कंपनी क्लेम करती है कि जो कैमरा का एप्लीकेशन है अगर आप उसको ऑन करेंगे किसी भी ईयरबड को अगर आप डबल टैप करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से सारे फोन के साथ वर्क नहीं करता है, हो सकता है सिर्फ ओप्पो के फोन के साथ ही वर्क करे। मैंने वन प्लस 9R से कनेक्ट किया लेकिन कैमरा में ऐसे कोई डबल टैप करने से या सिंगल टैप करने से फोटो क्लिक नहीं हो रहा था, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा अगर आप ओप्पो का मोबाइल फोन यूज करते हैं तो हो सकता है वो फीचर जो दिया गया है से उसी में वर्क करे, बाकी दूसरे फोन्स में वर्क नहीं करता है शायद। एंड अगर हम बात करेंगे अब गेमिंग एक्सपीरियंस की, इसमें आपको हालांकि डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलने वाला है, गेम मोड में अब हम ऑन करके गेमिंग एक्सपीरियंस करेंगे BGMI का, फिर हम डिसाइड करेंगे इससे आपको एक्जैक्टली गेम आउटपुट कैसे मिलने वाला है। मैंने वन प्लस 9R में खेला BGMI, इसमें गेम मोड ऑन करके इसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस डिसेंट मिलने वाला है, बहुत ज्यादा परफेक्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लग रहा था मुझे लैग,
मेरे को फील हो रहा था बिल्कुल। अब तो मार्क परफेक्ट ही नहीं, एक्सपीरियंस बोलते ना वो आपको थोड़ा बहुत मिसिंग लग सकता है। और ये एक्जैक्टली है हाफ इन डिजाइन के ईयरबड्स, तो कानों में लटक जाते हैं, पूरा पैक नहीं करते हैं। और जो सराउंडिंग एक्सपीरियंस है वो भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत मिसिंग लगे गेमिंग के टाइम पे। लेकिन लेफ्ट राइट का सेपरेशन सही दिया गया, अगर आपके कानों में सही तरीके से पैक होते हैं तो आपको लेफ्ट राइट का सेपरेशन पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको लैग देखने को मिलेगा। इसमें आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, परफेक्ट गेमिंग एक्सपीरियंस अगर हार्डकोर गेमिंग करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें लैग देखने को मिले। अब हम बात करेंगे मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको मिलने वाला है 13.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, लाउडनेस आपको बढ़िया मिल जाएगी, फुल वॉल्यूम पर आप डेफिनेटली सुन पाएंगे, ऐसे आपको डिस्टॉर्टेड आवाज फील नहीं होगी। और एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं आपको अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको क्लियर वोकल्स का मोड मिल जाएगा, बेस बूस्टेड मोड मिल जाएगा और ओरिजिनल मोड मिलेगा। क्लियर वोकल्स में ना एक्जैक्टली क्या करता है, बेस को काफी हद तक कम कर देगा और बिल्कुल आपको जो वोकल्स की क्लैरिटी, इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन है आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सुनाई देगा, ट्रेवल्स भी आपको बिल्कुल प्रॉपर मिल जाएंगे। और बेस बूस्टेड मोड में ना मेरे को थोड़ा बहुत इसमें मतलब जो बेस है ना ओवर पावर कर रहा था, लग रहा था कि जबरदस्ती का एक्स्ट्रा बेस इफेक्ट डाले गए हैं, जो बेस इफेक्ट से हल्का हल्के मेरे को फटे फटे सुनाई दे रहे थे बेस बूस्टेड मोड में। ओरिजिनल मोड में बिल्कुल आपको जो एक्जैक्ट जो आउटपुट है इसमें आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो बेस पार्ट है इसमें आपको थोड़ा बहुत मिसिंग लग सकता है, क्योंकि ये कानों को पैक तो नहीं करते हैं पूरा, लटक जाएंगे कानों में, हाफ इन डिजाइन के ईयरबड्स हैं तो इसमें आपको डिसेंट पावरफुल बेस मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कानों में सही तरीके से पैक करते हैं, अगर आप ऐसे ईयरबड्स कंसिडर करना चाहते हैं तो जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो आपको परफेक्ट मिल जाएगा, वोकल की क्लैरिटी, ट्रेबल्स और जो इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन है आपको सही मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको बेस पार्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे कॉलिंग की। मैंने एक फ्रेंड से कॉलिंग की थी ईयरबड्स के थ्रू, वो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा एक्जैक्टली सब कॉल आउटपुट आपको कैसे मिलने वाला है। हेलो सुधांत, कैसे हो? मैं बढ़िया भैया। बढ़िया यार, अभी मैं ओप्पो की तरफ से ओप्पो एनको एयर टू करके ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च हुए हैं, अच्छा मैं उनसे लगा के आपसे बातचीत कर रहा हूँ अपने टेरिस पे। आपको मेरी आवाज कैसी आ रही है? आपकी आवाज क्लियर आ रही है। क्लियर है? अभी हवा की आवाज या नीचे गाड़ियां जा रही है उनकी आवाज आपको आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही आवाज उनकी? ओके, तो मतलब मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस आप बोल सकते हैं? 80-90% बोल सकते हैं। ओवरऑल कॉलिंग कैसी है इसकी? ओवरऑल बढ़िया है, बस बहुत हल्की हुल्की नॉइज आ रही है, बाकी तो अच्छी। बैकग्राउंड ओके, मतलब मेरी आवाज से फोकस है ना बिल्कुल? हाँ, आपकी 80-90 बोल सकते हैं फोकस है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आपको अंदाजा लग सकता है एक्जैक्टली से आपको कॉल आउटपुट कैसे मिलने वाला है। यार कॉलिंग काफी तक इसमें आपको इंप्रेसिव मिल जाएगी, सामने वाला फोकसली 80-90% मेरे को ही सुन पा रहा था, बैकग्राउंड नॉइस काफी तक कैंसिल हो रही थी। इसमें आपको बिल्कुल AI कॉल नॉइस कैंसिलेशन फीचर मिलने वाला है, सही तरीके से वर्क करता है। इंडोर आउटडोर कंडीशन के लिए डेफिनेटली इसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं कॉलिंग पार्ट को लेकर। हैवी ट्रैफिक में उसको 30-40% बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है, लेकिन आपकी आवाज सुन पाएगा एक्जैक्टली हैवी ट्रैफिक में भी। सो कॉलिंग इसमें काफी तक आपको इंप्रेसिव मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे रेटिंग्स की। साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी को हम करेंगे रेटिंग। So, मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 9 out of 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 7.5 out of 10 और मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 8.5 out of 10। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स, अप्रॉक्सिमेटली 2000 rupees। सो घूम फिर के अगर आपको एक हाफ इन डिजाइन के ईयरबड्स पसंद है सेम शेप के, लुक एंड फील से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, प्लास्टिक क्वालिटी दी गई, बिल्कुल आपको प्रीमियम मिल जाएगी, थोड़ा बहुत आपको लुक एंड फील का यूनिक डिजाइन का ईयरबड्स का केस मिलेगा, बढ़िया आपको म्यूजिक क्वालिटी मिल जाएगी, डिसेंट आपको बेस मिलेगा, अच्छी आपको कॉलिंग मिलेगी और अबव एवरेज आपको गेमिंग मिल जाएगी। ओवरऑल देखा जाए मेनली म्यूजिक पार्ट को लेकर कॉलिंग पार्ट को लेकर काफी इंप्रेसिव ईयरबड्स हैं, इसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं। सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी भी कुछ दिक्कत हो आपको, कुछ पूछना हो आपको, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च ओप्पो एनको एयर 2 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। Hope you like this one, and as I told you, if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one, and see you in the next video. Thank you.